रास्ता देखे रास्ता 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 खुले हो। दीदी बाहर ना वर्क कर रही है, अभी अभी आई है दीदी, मायके वाले बड़े दीदी। आज भी मैं अकेली हूँ, अभी अभी तक आए नहीं, मतलब आज आए नहीं, कल आएंगे सुबह। और आज तो जो पास वाले दीदी है वो भी घर चले गए हैं, तो आज मैं बिल्कुल भी अकेली हूँ। तो बड़े दीदी ने बोले कि एकदम से अकेली हो, मैं आ जाती हूँ बोल के वो आ गई। मैंने तो मना कर दिया थे, नहीं आने से भी होगा, लेकिन वो आए तो बोल रहे थे कि आज मेरे साथ नहीं सोएंगे, अलग बिस्तर पर सोएंगे, क्योंकि उनका वायरल फीवर जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का डिनर, दीदी अपने घर से कुछ बना के ले आए और यहाँ भी बना के रख दिए थे मैंने। जल्दी जल्दी काम कुछ नहीं था तो मैंने डिनर भी जल्दी जल्दी में बना लिया आज, है ना। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है बनाना स्टेम गुदोक, एंड यहाँ पे मैंने दाल भी बना लिया। उस दिन जब ये मायके वाले बड़े दीदी आई थे तो मेरे लिए मेथी भिगो कर दे गए थे फेनोग्रिक सीड्स, ताकि मैं बालों पे लगाऊं, लेकिन वो मैंने किया नहीं, मतलब बालों पे लगाया नहीं, अप्लाई नहीं किया। तो आज मुझे अचानक से याद आया कि अरे वो कटोरे में तो मेथी भिगो कर गए थे ना बड़े दीदी, आज देखेंगे तो मुझको डांटेंगे बोल के मैंने फटाफट से ऐसे हटा के रख दिया था एक ऐसे ना फ्लावर टॉप के ऊपर। तो फिर दीदी देख लिए, फिर पूछे ये क्या वर्ल्ड है, तो मैंने कहा पहले कहा हाँ तो इसका तो स्प्राउट निकल रहा है, तो मैंने कहा नहीं ये वो है ना भिगो के जब गए थे। तो फिर बड़े दीदी बोला अच्छा बालों पे लगाए नहीं, तो नहीं तो दीदी ने क्या किया, जो फेनुग्रिक सीड्स मैंने ऐसे वो फ्लावर पॉट में ऐसे रख के गई थी ना, वो अभी मिट्टी वगैरह बाहर से ला कर ऐसे और खाली जो पड़ा था फ्लावर पॉट वहाँ पे मिट्टी वगैरह लेके पानी वानी डाल के क्या क्या करके अभी अच्छे से वो जो सीड्स है स्प्राउट जो निकल रहा था वो अच्छे से वो कर दिया है ना, ऐसे 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 करके क्या बोलते हैं उसको। तो इससे क्या होगा कि निकल आएगा इसका पत्ते वत्ते वो वगैरह, तो वो खा सकेंगे ना, ऐसे सलाद में भी ऐड किया जा सकेंगे ऐसे। इस वजह से दीदी ये काम करे, दीदी बहुत ज़्यादा प्लांट्स लवर है, मतलब प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स खरीदते हैं, वो इन सब में बहुत ही अच्छा लगता है उनको ना, है तो इसी वजह से। ठंडा मन जगह आसुग कसंग यदा थाचिंग कोलम खंग ता कसंग तो मैं अब जाऊंगी नहाने में, गर्म पानी से नहाऊंगी, अभी 8 बज चुका है, 8 बजे मैं नहाऊंगी। दिन भर सोती रही आज, इसलिए सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी बड़ी दीदी आई तो उसके बाद मैं उठी, फिर काम पे लग गई किचन के काम पे, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट हो गया था आज, तो थोड़ा काम नहीं करती तो मेरा दिमाग घबरा जाता ये क्या हो रहा है बोल के। तो बिजली का बचत नहीं चल रहा है आज, LPG का बचत चल रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं गर्म मतलब पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए। ऐसे 5-6 बार गर्म करने से हो जाएगा, जल्दी जल्दी गर्म भी होता है और गैस में देरी लगता है, टाइम लगता है। और देखिए कल सारा चिप्स खा लिया, एक पैकेट बाकी है, ये मैं और नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में अभी चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे लूज मोशन हो गया था इसलिए सुबह लूज मोशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कॉफ़ी पी, 2 ब्राउन ब्रेड खाया कॉफ़ी में भिगो भिगो के नरम करके ना, फिर अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने ORS ली, नहीं पहले ORS ली थी ब्रेकफास्ट से पहले, और उसके बाद मुझे एक नॉरफ्लॉक्सिन खाना पड़ा, वो लूज मोशन का जो टेबलेट है, क्योंकि लूज मोशन रुक नहीं रहा था। तो बाप रे इस चीज़ को मैं किसी और को खिला दूँगी, मैं और नहीं खाऊँगी। और उसके बाद इतना मतलब डिहाइड्रेशन हुआ या क्या हुआ पता नहीं, टायर्ड हो चुकी थी तो बार बार मैं जूस ले रही थी, उसके बाद मुझे नींद आ गई, और कब मतलब नींद में भी मैं उठ नहीं पा रही थी, इतना 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 वो। फिर मैं बहुत मुश्किल से उठी और मैं ऐसे ना नींद में उठना चाह रही थी कि मुझे कोई उठा ले उठा ले उठा ले, कोई आवाज़ करो ज़ोर से, आवाज़ दो मुझे, कोई उठाओ मुझे ऐसे, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद अचानक से उठी खुद ही, और सपने में मैं भगवान के नाम ले रही थी, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, मदद कीजिए उठने में। फिर अचानक से आँख खुली, फिर उसके बाद थोड़ा बैठी पानी पी, और उसके बाद फिर से सो गई, और अभी आराम मिल रहा है मुझे सो के उठने के बाद। अच्छा चलिए ये पानी गर्म होने देते हैं, दीदी बाहर क्या करें पता नहीं, प्लांट्स लगाएंगे। अच्छा अभी ठीक है मैं नहाने जाऊंगी, ये गर्म होने देते। बड़ी दीदी को और एक चीज़ दिख गई, वो जो मैं गांव से लाई थी ना फ्लावर प्लांट, वो मैंने अभी तक मतलब ऐसे ना जो पॉट होता है फ्लावर का, जो पॉट होता है प्लांट्स का जो पॉट होता है, वहाँ पे मैंने शिफ्ट नहीं किया, तो वो दीदी को दिखाई दे गए, तो फिर अभी वो काम कर रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं रहा, प्लास्टिक के अंदर ऐसे डाल के लाए थे ना, तो वो चीज़ ऐसे घर के कोने में पड़ा था, तो दीदी को कैसे दिख गई पता नहीं, तो अभी वही अच्छे से लगा के दे रहे हैं मिट्टी में। तो मैं अब जाकर नहाई हूँ और कुछ कपड़े भी धो लिए हैं मेरी विंटर क्लॉथ्स। नहा तो लिया, अभी कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, कॉफ़ी बना लेती फिर पीती हूँ। दिन भर सोती रही, फिर अभी कैफीन लूँगी, नींद आज कैसे आएगी पता नहीं, फिर भी पीना है मुझे कॉफ़ी।
बाल दो कर नहा लिया। आज यहाँ इतना ठंड नहीं है, गर्मी ही है, थोड़ा बहुत गर्मी भी है। वैसे भी विंटर में भी हो ना, मुझे जैसे नहाने के बाद फ़ैन की हवा खाने की आदत है। अभी फ़ैन ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो फ़ैन की आवाज़ मेरी बातों को इंटरप्ट करेगा, इसलिए बाल सुखा लेती हूँ। दांतों का दर्द थोड़ा कम है, यहाँ अचानक थोड़ा बहुत दर्द देता है, यहाँ ज़्यादा दर्द दे रहा है, यहाँ भी कभी कभी दर्द होता है लेकिन पहले से थोड़ा कम है। कॉफ़ी, ओह शांति शांति शांति। यह हबी की टी शर्ट है, फेंक दिया था, नहीं पहनेंगे। दीदी को मैं बोलने गई थी कि आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा, मैं लेट से खाऊंगी या फिर नहीं खाऊंगी, तो वो मूवी देख रहे तो बोल रहे हैं कि नमकीन है कुछ है, तो मैंने पूछा चिप्स खाओगे, बोले नहीं नमकीन है, तो मैंने कहा है पैकेट्स खुला नहीं, खुला है किसने खुला पता नहीं, मैं तो नहीं खाती, पापा ने खुले होंगे। इसको मैं ऐसे ना ऑनियन वगैरह कट करके मिक्स करके देकर आती हूँ। चिप्स मसाले, चिप्स मसाले, दाता रही ना। दीदी उस रूम में मूवी भी देख रही है और टीवी में कुछ गाना भी सुन रही है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ऐसे ईयरफोन लगा के मूवी देख रहे हैं और टीवी भी ऑन है, टीवी में गाना चल रहा है, और वो साउथ का एक मूवी देख रही है और मुझसे डाटा मांग रहे थे, डेटा मांग रहे थे। मैंने कहा डेटा चाहिए उनको, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में ना, तो दे दिया उनको डेटा कनेक्ट करके। और यहाँ पे मैं रील्स बना रही हूँ अभी, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, अभी अभी अपलोड हुआ है, यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मूवी, एंड उस मूवी का नाम क्या है पता नहीं, वो मुझे लिंक शेयर करेंगे तो फिर मैं भी देख लूँगी। हा 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 हा। तो अभी अभी क्या करूँ है ना, अभी कुछ नहीं, ब्लॉग को यही मैं एंड करती हूँ एंड कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ये